अस्सलामुअलैकुम। तो देखो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये खड़ी मसूर वाले चावल। इसको मैंने भिगो दिया था, खड़ी मसूर को, और ये मैंने चावल भी भिगो दिए थे, और प्याज को कट करके रख दिया, और ये ले लिया पूरा इसका मटेरियल, सौंफ, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, हरी मिर्च, नमक। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कुकर को रख दिया मैंने गैस पर, इसमें डाल देती हूँ। आज रिफाइंड ऑयल से बनाऊंगी चावल मैं, ये वाइट वाले रिफाइंड ऑयल से बनाती हूँ। तो देखो इसमें डाल देती हूँ मैं रिफाइंड ऑयल, डाल दिया मैंने। अब इसको गर्म होने देते हैं। देखिएगा रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका, तो इसमें प्याज डाल देती हूँ मैं। प्याज मैंने डाल दिए, और है ना इतनी गर्मी लग रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही बहुत ही। तो मैंने ना ये देसी के मग में, ये मेरी दादी का खरीदा हुआ मग है ये, इसमें मैंने ये कर लिया रूह अफ़ज़ा। मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही, देखो कितना पुराना है ये, हमारी दादी का खरीदा हुआ है ये, दादी ने दिया था। कई बर्तन थे ये, कितने सारे भात के जिसको सिल्वर कहते हैं। सभी मसालों को डाल दिया मैंने, और इसमें मैंने एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी चीनी भी ली थी। ये मटेरियल हमारा भून चुका, इसके बाद में मैं डाल देती हूँ दाल। दाल पे एक स्टीम लगाऊंगी, वरना चावल के साथ गल नहीं पाएगी। देखो मैंने पानी डाल दिया, और थोड़ा सा और डाल रही हूँ पानी इसमें। ये वाली खिचड़ियाँ ना हमारी दादी बनाती थी, आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आज उनको 18 साल हो गए, 4 अगस्त है आज। तो देखो मैं इसको बंद कर देती हूँ बस। तो देखिएगा खाना बन के हो गया है रेडी, ये हो गया। तो आ जाइए खा लीजिए खाना। देखिएगा दही चटनी और खड़ी मसूर की खिचड़ी, मलका की खिचड़ी, आ जाइए खा लीजिए। ये देखो अम्मी जान की बरसात में, अब दोबारा से मौली है अम्मी की मनी प्लान। देखो कितना अच्छा हो रहा है अम्मी का मनी प्लांट। और डब्बो वब्बो में गमला तो टूट गया था, डब्बो वब्बो में है ही नहीं, नहीं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो मौसम का हाल कैसा हो रहा, मौसम का हाल, और बारिश ने बेकार कर दिया। कुछ तो बारिश है नहीं, जो कुछ है थोड़ी बहुत काई लग गई घर पे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो देखो कल तो हमारे सामने ही हमारी आपा होती थी, वो उनका इंतकाल हो गया। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो मुझे बहुत दुख हुआ उनके इंतकाल का, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे, और मैं बस कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि बस ये सामने उनका मकान है और ये हमारा है। बस हर वक्त का आना जाना, उठना बैठना था, बहुत इज्जत करती थी मैं उनके, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ा उनके, उनकी डेथ का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। तो प्लीज़ दुआ करिएगा अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सब दुआ करिएगा उनके लिए। तो चलिए, और आज मैं जा रही हूँ खाला के साथ मुजफ्फ़रनगर, क्योंकि उनकी आँख बनी थी, इसमें प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम जा रहे हैं मुजफ्फ़रनगर। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।